हे फ्रेंड्स, हेलो, हाय, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी, और आज एक बहुत ही अच्छे टैबलेट के बारे में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। उस टैबलेट का नाम है टैबलेट डेलपार। डेलपार इस टैबलेट का नाम है। गौर से देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में बताने के पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। ये जो टैबलेट है, जैसे कि मैंने पहले एक इंजेक्शन बताया था जिसका नाम था इंजेक्शन डायनापार, उसी फॉर्म में ये टैबलेट है दोस्तों। बट इसमें से थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। इसका डिफरेंस होता है इसका डोज नंबर वन, और इसका एक अलग कंटेंट। जैसे कि डायनापार में सिर्फ डाइक्लोफेनेक सोडियम ये कंटेंट होता है, बट इस टैबलेट में फ्रेंड्स, डेलपार जो ये टैबलेट है पाम कंपनी की, इसमें दो कंटेंट है। एक तो डाइक्लोफेनेक सोडियम इसमें रहता है फ्रेंड्स, और दूसरा जो है इसमें पैरास्टामोल ये रहता है। डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है इस टैबलेट में 50 mg रहता है फ्रेंड्स, और पैरास्टामोल जैसा मैं बताया इसमें 325 mg इतना पैरास्टामोल रहता है फ्रेंड्स। इस टैबलेट के बारे में आपको ज़्यादा बताने की गरज क्या है, क्योंकि ज़्यादा बताना क्यों है, और इसके क्या क्या इसके रोल्स और साइड इफ़ेक्ट्स, यूज़ और साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे फ्रेंड्स। ये जो है डेफिनेटली डेलपार टैबलेट जो है ये पेन में यूज़ होती है, और ये जो है बहुत दिनों से बहुत लोगों के पास, और ये पेरी फेरी में इंडिया के हर छोटे छोटे गांव में इस टैबलेट का यूज़ होता है फ्रेंड्स। बताने के जैसा आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इसके बारे में कि वो भाई, इसके बारे में मैं एक फैक्ट आपको बताऊँगा कि ये जो टैबलेट है फ्रेंड्स, डेलपार इसका नाम है, ये आपको एक किराना स्टोर में भी मिलेगी फ्रेंड्स। जो एक सिटी में या विलेज में जो किराना स्टोर रहते हैं छोटे छोटे, उसमें भी ये टैबलेट मिलती है, इतनी ये फेमस टैबलेट है। बट इस टैबलेट का एक गलत यूज़ भी होता है फ्रेंड्स। किसी को भी अगर पेन हो तो ये टैबलेट वो कभी भी खा लेता है, और ये टैबलेट कोई लोग, कोई पॉपुलेशन जो ओल्ड एज पॉपुलेशंस हैं, ये कंटिन्यूसली इसका कंजम्पशन कर रहे हैं, और इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट उन लोगों पर पड़ रहे हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट? यस, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट के आजकल देखे गए हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कि जैसा मैंने कंटेंट्स बताया, डाइक्लोफेनेक सोडियम और पैरास्टामोल है। यूजेस क्या हैं? बेसिकली ये जो है पेन में यूज़ होती है फ्रेंड्स। किसी भी तरह का पेन हो, फीवर हो, हेडेक हो, जॉइंट पेन हो, कोई भी पेन हो, उस पेन में ये टैबलेट बहुत अच्छा काम करती है। बट इस टैबलेट को जब भी आप लेंगे तो इसके साथ एंटासिड लेना बहुत ज़रूरी है, रैंटैक या पेंटाप्रोजोल फ्रेंड्स। इसको जब भी आप ले तो आफ्टर मील, खाने के बाद ही इसको लेना बेहतर है। ये तो हुआ इसके यूजेस के बारे में। इसके डिसयूजेस या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस चीज़ों में इसमें नहीं देना है, किडनी फेलियर के पेशेंट में, अस्थमेटिक पेशेंट में, अल्सर, जिसको पेट का अल्सर है वैसे पेशेंट्स में ये डेलपार टैबलेट नहीं देना चाहिए। जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है वैसे भी पेशेंट में ये डेलपार टैबलेट नहीं देना चाहिए। कल मेरे पास एक दोस्त आया था मेरा, और वो मुझसे पूछने लगा कि डॉक्टर साहब, क्या डायनापार से हार्ट अटैक आ सकता है? डेफिनेटली अगर इसका ज़्यादा यूज़ होगा तो आपको इसका हार्ट में प्रॉब्लम भी दिखेगा। तो मैं जैसा बताया फ्रेंड्स कि पेरी फेरी में या इंडिया के हर कोने में इस टैबलेट को आज बिंदास लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इसके कंजम्पशन से जो है बहुत से लोगों के किडनी फेल हुए हैं। लेकिन वो लोगों को पता ही नहीं होता है दोस्तों कि उनके किडनी क्यों फेल हो रहे हैं। उनके किडनीज का फेल्योर का जो प्रॉब्लम है वो डेलपार टैबलेट, मतलब इस तरीके के टैबलेट वारंवार खाने के बाद जो है ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। अगर इसके ऊपर आप गौर से देखेंगे तो एक लाल कलर का इसके ऊपर आपको पैच दिखेगा, एक इसके ऊपर एक सेंटेंस दिखेगा जिसपे लिखा है कि शेड्यूल एज ड्रग। तो इस ड्रग को जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहिए, बट उसके रहते हुए भी या डॉक्टर्स की एडवाइस के बगैर इसे नहीं लेना चाहिए। इतना कहते हुए भी कुछ लोग जो है इसका ओवर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, और ओवर यूज़ करने के बाद जो है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कभी भी कोई भी पेशेंट को देखते हैं तो उसको हम खास ये प्रश्न, हमारा पहला सवाल रहता है, क्या आप डेलपार टैबलेट खाते हो? तो गाँव का अगर वो पेशेंट है तो वो डेफिनेटली बताएगा हाँ। और डेलपार टैबलेट की और एक खासियत है कि इसको ऐसा बताएगा कि हरे पन्ने की गोली, ग्रीन कलर, हरे पन्ने की गोली अगर बोलेंगे
तो उसको डेलपार बोलते हैं फ्रेंड्स। तो उसका बहुत ही ओवर यूज़ ज़्यादा यूज़ होता है, तो प्लीज़ इसका यूज़ ज़्यादा ना करें, डॉक्टर्स की एडवाइस के ऊपर ही इसका यूज़ करें। अगर इसका यूज़ करते हैं तो आफ्टर मील करें, विथ एंटासिड करें, और इसका यूज़ जो है कम से कम करें, इसका कंटिन्यूस यूज़ ना करें। हम जो है इस टैबलेट की खराबी नहीं बता रहे हैं, बट इस टैबलेट को जो है आपको कॉशियसली यूज़ करना है फ्रेंड्स। और ये टैबलेट अगर कॉशियसली यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी है। और इसको देना किस में नहीं है, अस्थमेटिक पेशेंट में, ओल्ड एज पेशेंट में, किडनी फेलियर के पेशेंट में, हार्ट के पेशेंट में, और अल्सर के पेशेंट में ये नहीं देना है। होप दोस्तों आपको आज का ये डेलपार टैबलेट का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी।